नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर जिले के सिकंदरा डेरापुर दर्जनों मुस्लिम बाहुल्य गांवों में जुलूस मोहम्मदी जुलूस के साथ साथ लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सिकंदरा, खोजा फूल, पीतमपुर, महमूदपुर, जल्लापुर, सिकंदरा, अफसरिया सहित अनेक गांव में जुलूस निकाला गया। बताते चले कि ब्लॉक राजपुर क्षेत्र के जल्लापुर सिकंदरा गांव के कुरैशियान मोहल्ले में लंगर का आयोजन किया गया, तो डेरापुर में मुफ्ती अनफासुल हसन व डेरापुर नगर पंचायत अध्यक्ष गुड्डू फौजी ने तहरीक ए दावत इंसानियत में गरीबों को आटा चावल बांटे। वहीं एक और जुलूस मोहम्मदी में शामिल बच्चों एवं बुजुर्गों ने खीर खाकर मुंह मीठा कर पैगंबर मोहम्मद साहब की सुन्नतें अदा की। इस मौके पर मोहम्मद शहजादे गुलाम गौस बीडीसी, मोहम्मद आरिफ, नौशाद कुरैशी, इरफान कुरैशी, सरफराज कुरैशी इत्यादि लोग शामिल रहे। इस मौके पर अनवार खान राजपुर प्रधान, मौलाना अजमत अली, फैजान खान, असलम इदरीशी, शफीक बारबर, मोहसिन खान सहित सैकड़ों इबादतमंद लोग मौजूद रहे। कानपुर देहात से हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्लीम की रिपोर्ट। गोदड़ी गुरुद्वारे के लिए हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी भारत स्काउट गाइड भवन पर कब्जे के लिए कूच करते 100 से अधिक सिखों के जत्थे को पुलिस ने देर रात नारसन बॉर्डर पर रोका। सिखों के जत्थे में शामिल गुरचरण सिंह बब्बर के मुताबिक जिस स्थान पर भारत स्काउट गाइड भवन है वहां पहले ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा था, इसे बाद में हटा दिया गया। सिख समुदाय को यह स्थान वापस लौटाया जाना चाहिए। हर की पैड़ी हरिद्वार में ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की मांग को लेकर सिख समाज की ओर से हर की पैड़ी में एक कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा की गई थी। सूचना पर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने नारसन चेक पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। इस दौरान एसपी देहात नवनीत सिंह ने भी गुरचरण सिंह बब्बर और उनके साथियों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान एसडीएम रविंद्र सिंह रुड़की, एसपी देहात नवनीत सिंह, सीओ मंगलौर डीएस रावत और मनोज सिरोला जी मौजूद रहे। हरिद्वार से हमारे संवाददाता रोहित कुमार की रिपोर्ट। 10 से 11 के बीच में बताया गया टाइम स्लॉट, और वो क्योंकि मूवमेंट में रहेंगे माननीय मंत्री जी भी, तो जब उनका अरेवल हो जाएगा और यहाँ से भी हमारा डेलीगेशन पहुँच जाएगा तब मीटिंग हो जाएगी। ये जो आपने कल एक टाइम दिया हुआ है कि कल कितने लोग जा सकते हैं? डेलीगेशन है, 4-6 लोगों का डेलीगेशन होगा। ठीक है, और वो जाएगा मिलने के लिए, साथ में लोकल ऑफिसर्स होंगे, पुलिस ऑफिसर होंगे और मजिस्ट्रेट होंगे जी। देखिए, सीधे कैबिनेट मिनिस्टर हमारे वो मिलने के लिए आएंगे आपसे। आपसे बात भी अभी अभी हो, उनके पीआरओ से बात हो चुकी है हमारी। ते क्या टाइम दिया? 10 से 11 के बीच में। लेकिन आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी है आपको? उन्होंने उनको ऑलरेडी इस मामले का पता है, तो उनका संज्ञान में है सब कुछ, ही ऑलरेडी नोस। लेकिन कितने लोग जा सकते हैं? देखिए, 8-10 लोग आएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह बात हो पाएगी। सर, हमारे को एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे हमने कल बात हुई है, कल आपसे मुलाकात करेंगे 10 से 11 के बीच में, और हम होप करते हैं कि कोई पॉजिटिव सोल्यूशन निकल पाएगा इसका।
तो फिंगर्स क्रॉस है कि आई होप कि कोई सोल्यूशन निकल पाएगा आपकी समस्या का। लेकिन आपकी तरफ से क्या मतलब एक विश्वास दिलाया जा रहा है कि ये आपके लिए बिल्कुल ठीक होगा? देखिए हम का गारंटी दे रही है? नहीं, गारंटी की बात तो अलग रहेगी, हमारी आशा पूरी है कि ये एक कोई सोल्यूशन निकल आएगा जो आपको भी सेटिस्फाई करेगा और हम लोगों को भी सेटिस्फाई करेगा। आपकी तरफ से क्या एक शेड्यूल बन रहा है इसमें? जो हमारे हरिद्वार प्रशासन में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं हमारे, उनकी स्टाफ से बात हुई है, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं हमारे उनके स्टाफ से बात हुई है और कल मीटिंग तय हुई है और मीटिंग में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी रहेगा और जो डेलीगेशन एक जाएगा और माननीय मंत्री जी उसमें रहेंगे और उसमें जो भी इश्यूज़ हैं गुरुद्वारा ज्ञान गुदड़ी के संबंध में उस संबंध में बातचीत की जाएगी और जो भी पॉजिटिव आउटकम होगा फिर आपसे शेयर किया जाएगा। लेकिन अभी अभी एक मीटिंग हुई है बब्बर साहब से जी, तो जो उन्होंने एक बात की है आपको एक बार नहीं 10 बार बोला गया कि हमने हर मंत्री को एक मेल की है, कल हम आ रहे हैं, आपने एक इंतज़ाम भी किए हैं, लेकिन ये बार बार एक मेल का गौर नहीं किया जा रहा है या देखिए एक्चुअली जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कभी सब कुछ समय लेती हैं और शासन में क्या किस प्रोसेस में कौन सा कागज है ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता। ठीक, चीज़ का फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर इसमें प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है और कुछ टकराव की स्थिति बनती है तो फिर हम प्रयास करेंगे कि आमना सामना ना हो और झगड़ा तो हम किसी भी स्तर किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए पुलिस ऑफिसर। ठीक है, सामने ना आए और इसमें प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जाता है और उसी के तहत जाने से रोका गया था और जिससे कि कोई झगड़े की संभावना ना हो वहाँ पे। तो कल कैसा माहौल रहेगा? कल इसीलिए मीटिंग हो रही है, मीटिंग में जो डिसाइड होगा फिर आपसे शेयर किया जाएगा। तो बात है डेलीगेशन रखेगा और जो फिर माननीय मंत्री जी वार्ता कर रहे हैं, जो भी आउटकम होगा फिर आपसे शेयर किया जाएगा। अभी तो मैं अगर कल मिल जाए परमिशन तो मतलब मंत्री जी की तरफ से कल गुरुद्वारा साहब देखने के लिए परमिशन मिल सकती है फिर जाने के? देखिए ऐसा है ना, वहाँ पे हर की पैड़ी पे जाने के लिए आज इसलिए रोका गया कि वहाँ पे लोकल लेवल पे थोड़ा सा विरोध है और जिससे एक लोकल में कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो इसलिए रोका गया था और अगर ये स्थिति बनती है तो उस चीज़ के लिए मना किया जाएगा और जो मेन इनकी डिमांड है उस पर बातचीत करने के लिए माननीय मंत्री जी के साथ इनकी बैठक हो रही है। लेकिन आपको कुछ तरह के आपको शक कोई आपको कोई कंफ्यूज है, आपकी सरकार कंफ्यूज हुई भी है या शक है किसी तरह का कि यहाँ पे कोई वारदात या दंगा होगा या इसलिए नहीं जाने दे रहे या क्या चक्कर? देखिए प्रिकॉशनरी मेजर प्रशासन को पुलिस को लेने पड़ते हैं, जहाँ संभावना भी होती है कि कोई झगड़े की संभावना है तो उसमें प्रिकॉशनरी स्टेप लिए जाते हैं और प्रयास किया जाता है कि ऐसे दो पक्ष। मंगलौर के लीवर हेडी उत्तम शुगर मिल का पराई सत्र शुरू हुआ है जिसका उद्घाटन लखनौता के अशोक चौधरी व मिल प्रबंधक LS लांबा जी के द्वारा किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में किसान पहुंचे। आपको बता दें कि मंगलौर के लीवर हेडी में उत्तम शुगर मिल का पेराई सत्र आज से शुरू हुआ है, उद्घाटन में पहुंचे किसानों द्वारा मिल प्रबंधन को शुभकामनाएं दी गई। पेराई सत्र शुरू होने पर किसानों में भारी उत्साह देखने को मिला, लोग सुबह से ही अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। इस कार्यक्रम में पंडित के द्वारा यज्ञ किया गया और पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे अशोक चौधरी ने रिबन काटकर पेराई सत्र शुरू कराया और मिल प्रबंधन व किसानों को शुभकामनाएं दी। हरिद्वार से हमारे संवाददाता रोहित कुमार की रिपोर्ट। मुख्यतः समिति द्वारा किया जाता है और इस बार जो है वो DCO महोदय ने अपने संचालन में रखा है और सारी पर्चियों का संचालन हरिद्वार से होगा। हम ये मानते हैं किसानों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये हमारा भरसक प्रयास रहेगा और रहता भी है कि किसान इस मिल के स्वामी हैं और उनका हमेशा योगदान भी रहता है और उनको किसी तरह कष्ट नहीं होगा, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। ये जो 10 तारीख है 10 नवंबर और पेराई सत्र 19-20 का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसका सभी क्षेत्र के सम्मानित किसान आए हुए हैं और चेयरमैन साहब द्वारा उद्घाटन किया गया है और फैक्ट्री ने अपना 75 लाख का टारगेट रखा है इस साल का और मेरी किसानों से भी अपील है कि अपना साफ़ सुथरा करना समय से आपूर्ति करें और मिल इनके संरक्षण में चलते रहें। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र के समस्त किसान भाइयों को और उत्तम शुगर फैक्ट्री के प्रबंधन महोदय को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आगामी जो वर्ष है जो है वो अच्छी तरह से गुजरे, पेमेंट के बारे में भी और किसी भी तरह की किसान भाइयों को दिक्कत ना हो, अगर कहीं इस तरह का होगा तो मिलजुल कर अपना जो है प्रयास करेंगे। तो ये मेरी सबके लिए शुभकामना है कि आगामी वर्ष के लिए जो अभी GM साहब ने बताया कि 75 लाख का वो है
मैं तो कहता हूँ कि 80 लाख पे हम पहुँचे तो बहुत ही हम सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा और इस क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरी शुभकामना है सबको। जी, ये था अभी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। आजमगढ़ फूलपुर में दुर्वासा धाम पर कार्तिक पूर्णिमा दिनांक 12 नवंबर को संगम स्नान पर लगने वाले 3 दिवसीय मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जिसमें शासन व प्रशासन स्तर से सारी तैयारियां की जा रही है। प्रशासन मेले को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए मुस्तैद है। आज मेले का जायजा जिलाधिकारी आजमगढ़, उप जिलाधिकारी फूलपुर, साथ ही प्रभारी कोतवाली फूलपुर में फोर्स के साथ दुर्वासा धाम का निरीक्षण किया। दुर्वासा धाम तीन थानों फूलपुर, अहरौला और तहबरपुर की सीमाओं में लगा हुआ है। यही नहीं, दुर्वासा धाम 4 ब्लॉकों फूलपुर, तहबरपुर, अहरौला और मिर्जापुर की सीमाओं के मध्य स्थित है। यहां 2 नदियां तमसा और मंजूसा का संगम है, जिसमें दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु स्नान करते हैं। इसके साथ ही मेले में अन्य जिलों से भी लोग अपनी अपनी दुकानें लेकर आते हैं और मेले की शोभा बढ़ाते हैं। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता इंद्रराज यादव की रिपोर्ट। मेला है, यह अनाज से लगता है और यह जो है बिना बुलाए सब लोग यहाँ हाजिर हो जाते हैं। सभी लोग दुकानदार से लेकर के जनता, भक्त, संत, महात्मा, 35 बजे 28 हज़ार ऋषियों का आगमन हो जाता है, जो कि उसमें जिसके पास ज्ञान रहता है सब देखता है। उसमें यह 88 हज़ार ऋषियों द्वारा पूजित यह तपोस्थली, यह जो है इसको तपोभूमि बोली जाती है। और मुख्य मेला है यहाँ 11, 12 और 13 मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार के दिन यहाँ मंगलवार को नहान, कार्तिक पूर्णिमा का मेन नहान जो है मंगलवार, मंगलवार 12 तक और 13 को जो है ध्यान होता है, 11 को यहाँ बटोर हो जाता है, क्योंकि प्राचीन से ही बटोर माना जाता है, सब लोग बटोर जाते हैं 11। मेले के लिए पुलिस की व्यवस्था सही रहती है? हाँ, मेले के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी है, पुलिस वालों की, प्रशासन और शासन दोनों बहुत अच्छे से दिखता है। ठीक है, यहाँ तो कई थाने का आदर होगा। हाँ, तो यहाँ हमारे मुख्य प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता कोतवाल साहब रैंक में आए हुए, बड़े अच्छे से देखता कर रहे हैं। और डीएम साहब भी आए थे, जिलाधिकारी और राजेंद्र साहब, इस तरह से अधिकतर जो जिला के बड़े बड़े अधिकारी हैं सभी जो बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से तीन दिन से चल रही है मेले की सुरक्षा के लिए। अरौला थाना भी लगता है और यह जो है अक्सर यह तीन केंद्रों के बीच में, तीन ब्लाकों के बीच में पड़ जाता है। उस पार अरौला ब्लाक है, इस पार मिर्जापुर ब्लाक है, यह जो है फूलपुर ब्लाक या मिर्जापुर ब्लाक है और वह जो है ताबरपुर ब्लाक है, या जो है अरौला ब्लाक है, तीन ब्लाक वही तो तीन ब्लाकों के बीच में चौथा ब्लाक फूलपुर में अरौला मिल जाता है। इस तरह से यह मेला जो है बड़े धूमधाम से प्रशासन की सहायता से, प्रशासन की सबकी सहायता से आजमबाड़ा छावनी के मुख्य बाजारों से 550वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में मुख्य बाजारों से नगर कीर्तन निकाला गया और बी एस बिंद्रा जी ने बताया कि आज के दिन बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और आज साथ ही साथ उन्होंने बताया कि लोगों की तरफ से नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया और विशेष रूप से लंगर का भी आयोजन किया गया है। अम्बाला से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। जनरल सेक्रेटरी के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक मंडली, ये नगर कीर्तन तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल उत्सव के संबंध में आज बड़ा भारी नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, जो सारी दुनिया में इस समय जो इनका गुरु नानक देव जी का साझा उपदेश था उसको आज 550 साल हो गए हैं उनके जन्म को, और आज सारी दुनिया में, ना केवल अम्बाला में, पूरी दुनिया में जहाँ गुरु नानक नाम लिखा है वहाँ ये बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज अम्बाला में ये
बहुत भारी एक नगर कीर्तन, जो सारा अम्बाला आज दुल्हन की तरह सजा हुआ है और लोगों में इतना उत्साह है। हम नगर कीर्तन में 200 से ज़्यादा खाने पीने के, लोगों के सेवा के स्थान, गत्ता बाटियाँ, ऊँट घोड़े हाथी, इस तरह के लोगों के इतना चाव है और इतनी खुशी है कि ये आपको ज्ञान करो जी, आप भीड़ देख रहे हो, इतना बड़ा हमने इकट्ठ कभी अपनी 70 साल की उम्र में अम्बाला में नहीं देखा जितना आज 550 सालों को ये मनाने के लिए सारे जत्थे हाँ, ये तो अम्बाला छावनी और गोविंदनगर जो नज़दीक मेजनगर और अम्बाला के लोग हैं, अलग अलग गाँव में अलग अलग जगह पे अलग अलग, लेकिन इसी प्रकार से हर जगह इतना रश है, इतनी जनता गुरु नानक नाम देवा गुरु नानक की टीचिंग को मानने के लिए ये लोग सब तैयार हुए हैं और 12 तारीख को सभी गुरुद्वारों में ये बहुत बड़े लेवल पे मनाया जा रहा है, जिसमें अमृतसर से और पंजाब से, यूपी से, दिल्ली से कीर्तन जत्थे आगे कीर्तन करेंगे और सभी गुरुद्वारों में गुरु के नगर बनते जाएंगे। ये मेरे हिसाब से हमें सबको गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब धूमधाम से मनाना चाहिए और जो उन्होंने हमें संदेश दिया है, कीर्तन करना, फंड छकना, ये सबसे बड़ा गुरु नानक देव जी का संदेश है जो आज जनता पे हमारे सरकारें भी फैला रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये गुरु नानक देव जी ने पहला संदेश दिया था, सो क्यों मंदा आजिए जित जमे राजा, जो राजे को जन्म देती है वो माँ कैसे पूरी हो सकती है, तो इसलिए ये संदेश उनके बहुत सारे संसार में फैलाए जा रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी, हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। हम सभी सरकारों का, सामाजिक संस्थाओं का, जिन लोगों ने आज नगर कीर्तन की, सब लाइन क्लब और संस्थाएं जिन्होंने हमारा सहयोग दिया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ये हम कामना करते हैं कि गुरु नानक उन पर कृपा करें, मेहर करें, सब ना देश में, सारे संसार में उनका संदेश शांति के तौर पर जाए और एक जगह शांति लाया जा रहा है। इसके संबंध में एक ये नगर कीर्तन महान निकल रहा है, स्थानीय बाबा गैर की संगत गोविंद नगर आई और नगर नजदीक की सब शहरों की दस गायन कर रही है, बड़ी महाराज संगत उत्साह है, बड़ी गुरु महाराज की कृपा है, इसलिए हम सारे संगत का बहुत धन्यवाद करते हैं, सारी कमेटियों का, सारी संस्थाओं का, सारी मीडिया का बहुत साथ लेवल पर दे रहे हैं, इसलिए सबको लाख लाख बधाई, सारी शुभकामनाएं, गुरु महाराज सबका भला करें। ये जो पूरी आपकी ये संगत है, ये कौन सी संगत? ये नौजवान खालसा सेवा जत्था और नौजवान खालसा सेवा जत्था और अम्बाले के शिक्षा अनुसार में केंद्रीय गुरुकुल कमेटी जो हमारे नवजीत सिंह कोहली, मैं अम्बाले से यूथ अकाली दल का प्रधान हूँ और हम बहुत बड़भागे हैं कि 550 साल गुरु नानक देव जी का प्रकाश हमारी जिंदगी के अंदर आया। आज अम्बाला छावने के अंदर सभी गुरुद्वारों ने, सभी सोसाइटियों ने मिलकर अम्बाला को दुल्हन की तरह सजाया, हम आप देख सकते हैं और साथ ही हम सभी ये थे अभी के समाचार। आए कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।